में लिखित परीक्षा 100 नंबर पा जाए लेकिन इंटरव्यू में 40% यदि नहीं पाता है हमारा SC/ST का तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये कितना अन्याय है। देश या विश्व में किसी भी ऐसा इंटरव्यू एग्जाम में नहीं होता कि इंटरव्यू के आधार पर क्वालिफाई किया जाता है। इस प्रथा को तत्काल बंद किया जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि सीनियरिटी का भी ध्यान रखा जाए। मध्य क्षेत्र विद्युत मंडल में हमारे भी के मुख्य अभियंता रेगुलर मुख्य अभियंता है उनको अटैच करके कार्यपालयंत्री को जो सामान्य वर्ग के कार्यपालयंत्री है उनको प्रभार दिया गया है। ये हमारे लोगों के साथ अत्याचार अन्याय किया जा रहा है। इसको बंद किया जाए। और एक आपको और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो हमारे सफाई कर्मी हमारे मित्र हैं उनको ठेका पत्थर से नियुक्ति दी जा रही है जिससे उनका दोहरा शोषण हो रहा है। कैसे दोहरा शोषण हुआ है। एक तरफ तो उनको 100 लोगों का 25 लोगों कराया जाता है और कलेक्टर रेट की बजाय उसको 4,000-5,000 का वेतन दिया जा रहा है जो दोहरा शोषण हो रहा है। इस शोषण को बंद कराकर नियमित नियुक्ति किया जाए और जो पहले से डेली वेतन में काम कर रहे हैं उनको रेगुलर कराने का काम किया जाए। यदि हमारे माननीय मंत्री इधर काम करेंगे तो निश्चित मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है कि ये सब कुप्रथा बंद हो जाएगी। माननीय मंत्री महोदय मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे छात्रों ने नाजी ने 2016 में जो आंदोलन किए थे लोकतांत्रिक तरीके से उनको षड्यंत्र पूर्वक जो है उनके खिलाफ एफ आई दर्ज की थी उसको सरकार वापस ले ले ताकि हमारे छात्र छात्राओं को जो है न्याय मिल सके। और एक और निवेदन है कि संविधान में जो प्रावधान है आरक्षण रिप्रेजेंटेशन उसको भी उनका विरोध करने वाले को फूल जूस ना पिलाया जाए। उनको जो है देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए क्योंकि संविधान देश का सबसे बड़ा ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथ को विरोध करने वालों को देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और एक और निवेदन है कि प्राय देखने में आ रहा है कि हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं अन्याय हो रहे हैं। थाने में जाते हैं तो FIR दर्ज नहीं होती है उनके आवेदन लेके जांच रखकर दिया जाती है। लेकिन अभी केंद्र सरकार में जो सरकार बैठी है उसने एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन किया है कि जो आवेदन आता है उसके आधार में पहले FIR दर्ज की जाए इसके बाद जांच की जाए। तो मेरा निवेदन है कि ये जो जांच प्रक्रिया है उसको समाप्त कर पहले आवेदन को FIR दर्ज माना जाए इसके बाद जांच की जाए ताकि जो हमारे हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है अन्याय हो रहा है उसमें कमी आ सके। और मैं आपके माध्यम से शासन को अवगत कराना चाहता हूँ कि यदि किसी शरीर में 40% भाग पैरालिसिस हो जाए तो शरीर कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। इस प्रदेश की जनसंख्या 40% है। यदि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 40% को विकास की मुख्य धारा में नहीं जोड़ा जाएगा तो यह मध्यप्रदेश विकसित राज्य नहीं बन सकता, उत्कृष्ट राज्य नहीं बन सकता। जब तक अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुपात में हर जगह भागीदारी नहीं दी जाएगी जब तक यह प्रदेश और देश उन्नति नहीं कर सकता। आप देखिए आज हमारे 100 विश्वविद्यालय लेजिए विश्व स्तर में हमारा 100 विश्वविद्यालय में मेरिट में क्यों नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है। इसका मेन कारण है संविधान को पूरी तरह नहीं लागू करना। संविधान कहता है समानता लेकिन हमारे यहाँ असमानता लागू की जा रही है। आप देखिए संविधान में 1950 में जब संविधान लागू हुआ है तब से उल्लेखित है अनुच्छेद 17 में कि जाति प्रथा समाप्त की जाएगी छुआछूत समाप्त की जाएगी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि आज दिनांक तक छुआछूत जारी है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय आपसे निवेदन है कि आप अंधविश्वास की जगह आप जो है साइंस की ओर ले जाइए। स्कूल कॉलेज खोलिए मेडिकल कॉलेज खोलिए स्वास्थ्य दीजिए रोजगार दीजिए हमें परिवहन दीजिए रोड दीजिए और हमारे विश्व में ऐसे यूनिवर्सिटी स्थापित करिए कि हमारा 100 में पहला स्थान विश्व हमारे विश्वविद्यालय के आया। आज देखिए 200 विश्वविद्यालय में भी हमारा देश का कोई विश्वविद्यालय नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों जापान हमसे क्यों आगे है अमेरिका हमसे क्यों आगे है हमें से कुवैत क्यों आगे है आप सोचिए। जबकि हमारे देश में हर प्रकार के संसाधन खनिज संपदा है उपलब्ध है इसके बावजूद हमारा देश गरीबी में क्यों आगे है हमारे देश में गरीबी और अमीरी में खाई क्यों बढ़ती जा रही है ये सोचने की बात है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो हमारी 2700 की मांग है उसको पूरा किया जाए। और अभी अभी सुबह मेरे को जो हमारे समाज के लोगों ने मांग रखी थी कि जो
हमारे वित्त विकास निगम के माध्यम से घुमटियां रखी गई थी, उनको जो है विस्थापन किया जा रहा था। मेरा आपसे निवेदन है कि नियमानुसार उनको सही जगह दिया जाए, रोजगार दिया जाए, डिक्की के जो रोजगार के माध्यम से उनको पर्याप्त सब्सिडी दी जाए और अनुसूचित जनजाति को इंडस्ट्री में भागीदारी सुनिश्चित किया जाए और जितनी जमीन है देश की प्रदेश की हमारी भागीदारी जाए दी जाए। और मैं आप और से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग कहते हैं कि इस देश में हिंदू की जनसंख्या है, तो यदि हम हिंदू है तो मंदिरों में हमारी जनसंख्या के आधार पर हमारे पुजारी नियुक्त किया जाए और हमें भत्ता दिया जाए ताकि हम समानता कह सके कि समानता देश में लागू है। ये ऐसा नहीं होता मतलब देश में समानता नहीं है, असमानता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि असमानता की खाई को दूर किया जाए और संविधान के मुख्य धारा को लागू किया जाए। धन्यवाद। जय भीम। सामने ये जो लगा ना।